सब्सक्राइब कीजिए मेरे हिंदी टेक्निकल हब को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं वो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आज मैं आपको एक इंची की थ्रेड, इंटरनल थ्रेड के बारे में बताऊंगा। और वीडियो चालू करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भाई देख रहे हैं वो वीडियो को अवश्य लाइक करें, शेयर भी कर दें अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी अच्छे से ज्ञान हो जाए जो मैं थ्रेडिंग के बारे में बता रहा हूँ। थ्रेडिंग के बारे में दोस्तों बहुत कम लोग जानते हैं, जो थ्रेड काटते हैं उनको भी इतनी जानकारी नहीं होती कि होता क्या है। कि एनपीटी थ्रेड या बीएसपीटी थ्रेड, सिंपल थ्रेड तो फिर भी चल जाती है, लेकिन एनपीटी बीएसपीटी थ्रेड के बारे में बहुत लोगों को कम नॉलेज है, और फिटमेंट में बहुत बड़ी दिक्कतें आती है अगर एंगल मैच नहीं हुआ तो इस तरह दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले मैंने वीडियो में एनपीटी बीएसपीटी की थ्रेड के बारे में, नॉमिनिक्लेचर के बारे में बताया, उसमें कितना टेपर होता है, कितना एंगल होता है, तो सारी चीज मैंने वहां डिस्कस करी थी। साइज अलग अलग होने के कारण थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, बट कॉमन चीज ये है कि एनपीटी और बीएसपीटी के टेपर जो होता है वो 1/16 का होता है, हमेशा 1/16 का। तो दोस्तों हमेशा 1/16 का ही टेपर चलेगा, एनपीटी हो चाहे बीएसपीटी हो। थोड़ा फर्क पड़ेगा कि आपको अलग अलग साइजों में, आपको 1 इंच के, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ 1 इंच थ्रेड का बता रहा हूँ, 1 इंच थ्रेड एनपीटी में, तो डायमीटर वेरिएशन आएगा स्टार्टिंग पॉइंट का और एंड पॉइंट का। तो दोस्तों चेक करने का भी तरीका मैं आपको बताऊंगा किस तरह से चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए मैं आपको गेज बताता हूँ, किस तरह का गेज होता है एनपीटी थ्रेडों का या बीएसपीटी थ्रेडों का। टेपर में ही आता है दोस्तों गेज भी इस तरह से, ठीक है। अब इस तरह थ्रेड गेज के अंदर क्या होता है कि यहां पे कट मार देते हैं, इस तरह का कट मार देते हैं गेज के ऊपर। तो इस तरह का कट आने के बाद उसको अपन चेक कर लेते हैं, यहां तक तो अपना गो रहता है, ये थ्रेड है इसके ऊपर, गेज के ऊपर इस तरह से, तो ये थ्रेड ऐसे रहेंगी गेज के ऊपर भी। दोस्तों ध्यान रखना मैं जो बता रहा हूं, बहुत अच्छी चीज जानकारी दे रहा हूं, सिर्फ आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप क्या करने जा रहे हैं। तो इस तरह से ये गो साइज होता है दोस्तों, गो साइज होता है, ये होता है नो गो। ये जो स्टेप कटा होता है इसके बाद जो होता है ये नो गो है, नो गो। तो गो अपना यहां तक जाना चाहिए और नो गो यहां रुक जाना चाहिए, और बीच से में ले लेते हैं अपन, दोनों के बीच में ही सेट कर लेते हैं, तो अपने गेज का भी पता लग जाता है गेज अपनी सही है, ओके है, नॉट ओके। तो जितना टेपर थ्रेड के अंदर है उतना ही टेपर इसमें भी रहेगा दोस्तों, मेल हो चाहे फीमेल हो। मेल थ्रेड में हमेशा ओडी पे जो टर्निंग, ओडी पे जो थ्रेड होती है उस पर रिंग गेज आती है, रिंग गेज के अंदर भी दोस्तों टेपर होता है, इस तरह की रिंग गेज आती है हमारे पास, इस तरह की रिंग गेज आती है इस टाइप की टेपर में ही। तो जो भाई गेज के बारे में नहीं जानते उनको मैं समझा रहा हूँ कि गेज किस प्रकार के आते हैं, बहुत से पूछते हैं सर इसके गेज कैसे बढ़ेगी। तो ये रिंग गेज है, रिंग इसमें भी स्टेप कटा होता है दोस्तों, ये यहाँ पे एक जो भी अपन चढ़ाएंगे उसके ऊपर भी इस तरह का स्टेप एक दे देते हैं ताकि गो नो गो अपना चेक हो जाए, इस टाइप का स्टेप आ जाता है। तो उसमें भी अपन रिंग पे चढ़ा के देख लेते हैं कि कितनी अपनी चूड़ी जा रही है, कितनी नहीं जा रही। तो स्टेप के अनुसार ही अपन गेजों को कैलिब्रेट कर लेते हैं, अपन कंपोनेंट में डाल के देख सकते हैं कि गो नो गो जा रहा नहीं जा रहा, क्योंकि टेपर में पता नहीं चलेगा, अंदर भी चला जाता है टूल। बहुत से लड़के टेपर में जो मेल फीमेल हो तो फिट तो हो गई, लेकिन कहाँ होगा, कितनी लेंथ में होना चाहिए, तो अपन गेज बनवा लेते हैं उसका, गेज क्या नोमेनक्लेचर, गेज किस प्रकार के बढ़ते हैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। तो अभी लेटेस्ट आपको बता रहा हूँ कि जो गेज होता है उसमें स्टेप कटा होता है, गो का साइज का और नो गो साइज का, तो दोनों चीज आपको मिलेगी
उसके अंदर अगर अपन ओडी पे काट रहे तो उसके लिए रिंग बनी होती है, रिंग के ऊपर भी स्टेप आता है, तो वो रिंग से भी अपन चेक कर सकते हैं। और ये वहां काम में लेते हैं जहां अपनी इंटरनल थ्रेड है। ठीक है दोस्तों, इतना तो मैं आपको पता है गेज के ऊपर। अब मैं चलता हूं अपने जो 1 इंची का साइज है उसके ऊपर। तो दोस्तों मैंने यहाँ कुछ डेटा लिखे हैं आपके लिए, इन डेटा में मैं दिखा रहा हूं एंगल कितना होता है, 1 डिग्री 47 मिनट। हमेशा जो एनपीटी बीएसपीटी थ्रेड है उसके ऊपर जो एंगल आएगा वो एंगल आएगा अपना, ये मैं एंगल दिखाता हूं आपको, ये चूड़िया का मैं डैश डैश बना देता हूं। तो इसका जो एंगल बढ़ेगा यहां से इसके सेंटर से वो बढ़ेगा 1 डिग्री 47 मिनट। ठीक है दोस्तों, 1 डिग्री 47 मिनट का ही एंगल आता है हमेशा दोनों उसमें एनपीटी और बीएसपीटी में। तो 1.1 डिग्री 47 मिनट का जो टेपर है अपना 1 16 का, उससे ही ये 1 डिग्री 47 मिनट निकल के आती है दोस्तों। ये स्टैंडर्ड है, सभी भाइयों को पता होना चाहिए कि 1 डिग्री 47 मिनट का टेपर है और 1 16 का अनुपात में, दोनों एक दूसरे के पूरक है, चाहे आप इसको अडोप्ट करो या 1:47 को अडोप्ट करो। तो ये मैं टेपर का बता रहा हूं आपको, और टेपर 1:16 का मतलब क्या होता है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। 1:16 का मतलब होता है दोस्तों, यहां मेरा अगर डायमीटर रेड से स्टार्टिंग में मेरा है 20, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, नॉट एग्जैक्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर यहां मेरा 20 mm है तो ए और ये लेंथ मेरी 30 mm है, तो दोस्तों 1:16 30 नहीं लिखता मैं, 16 mm में लिख लेता हूं, फिर आप उससे मल्टीप्लाई कर सकते हो 16 mm। तो यहां 20 है और 16 mm की लेंथ में कितनी हो जाएगी दोस्तों, 21 mm। तो इस तरह से टेपर अपना निकाल सकते हैं, ये डायर 21 आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि टेपर अपना 1:16 का है, 1 mm डायमीटर बढ़ा 16 mm के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आप वहां पे भी देख सकते हो, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं दोबारा, 1:16 का मतलब क्या है, 1/16, 1:16। तो एक अगर डायमीटर अपना 1 mm बढ़ता है तो उसकी लेंथ में 16 mm का फर्क पड़ जाएगा, 16 mm की लेंथ में 1 mm डायमीटर बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ये अपना रेशो निकल जाता है टेपर का, और सारी चूड़ियों में एक ही टेपर रहेगा, चाहे वो 1 सूत की हो, चाहे 3 सूत की हो, चाहे आधा इंची की हो, 3/4 की हो, या 2 इंची की हो, सब में टेपर सेम ही रहेगा, टेपर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ डायमीटर का ही फर्क पड़ेगा, बाहर का डायमीटर और अंदर का डायमीटर, स्टार्टिंग डायमीटर और अपना जो एंड पॉइंट का डायमीटर है उन दोनों में फर्क पड़ेगा, और फर्क अपन को उतना ही निकालना है जितना 1:16 के अनुसार बढ़ता है। तो ये क्या चीज ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। तो अब मैंने ये 1 इंची का एक एग्जाम्पल लिया है प्रोग्राम बनाने के लिए दोस्तों। 1 इंची का एनपीटी थ्रेड है, इसके अंदर एंगल तो 1 डिग्री 47 मिनट आएगा, या अपन लिख सकते हो मैं 1:16। ठीक है दोस्तों, टीपीआई थ्रेड पर इंच, टीपीआई का मतलब है थ्रेड पर इंच 11.5, 11.5 टीपी आएगी, मतलब 1 इंच अगर लेंथ है थ्रेड डेप्थ की तो 11.5 आएगी। ठीक है दोस्तों, ये स्टैंडर्ड इंच में हमेशा टीपीआई चलता है, थ्रेड पर इंच, मैट्रिक के अनुसार तो अपन कितने भी ले सकते हैं लेंथ के अनुसार, बट एनपीटी और बीएसपीटी में टीपीआई चलेगा, या बीएसडब्ल्यू हो उसमें भी टीपीआई चलेगा। तो इंच में जो भी साइज आते हैं सारे टीपीआई में आते हैं, टीपीआई थ्रेड पर इंच 11.5 चूड़िया है, 1 इंच के अंदर 11.5 चूड़िया रहेंगी। स्टार्टिंग डायमीटर जो आएगा 1.315, 1.315 इंच में आएगा दोस्तों, और वो मिलीमीटर में अगर 25.4 से गुणा करते हैं तो 33.4 मिलीमीटर हो जाता है, 33.4010 का कोई इतना महत्व नहीं है, 33.4 मिलीमीटर इसका डायमीटर मिलीमीटर में होता है। पिच दोस्तों 1 इंच में कर 11.5 का भाग देते हैं तो अपनी, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने,
ये पिच मैं मिलीमीटर में निकाल रहा हूं, 25.4 में 11.5 का ये देते हैं 2.201, वो भी सही था, 1.1/1.5 भाग देता हूं तो इंच में आ जाता है दोस्तों 0.06 0.08 और मैंने कैलकुलेशन निकाल रखी है 696 ये दोस्तों इंचीज में है, ये इंच में अपना पिच आ जाता है। और अपन हमेशा इंच के साइज को एमएम में कन्वर्ट करके चलते हैं, इसलिए उसकी मिलीमीटर में भी अपन को पता होना चाहिए। 25.4 एक इंच के अंदर मिलीमीटर होते हैं, उसमें 11.5 का भाग देंगे तो 2.209 मिलीमीटर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब है हाइट, थ्रेड की हाइट, थ्रेड की हाइट बढ़ती है दोस्तों स्टैंडर्डाइज में 0.06957 इंच के अंदर है। उसका फॉर्मूला कैसे निकाला मैंने पिछले वीडियो में डाल रखा है, नॉमन क्लेचर में आप वहां से ले सकते हो, और उसका मिलीमीटर में आएगा 1.765 मिलीमीटर। ठीक है दोस्तों, पिच के साथ एक गुणांक का मल्टीप्लाई होता है, 0.064 का तो बीएसडब्ल्यू में होता है और इसमें 0.78 का होगा, तो मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, आप वहां से भी देख सकते हो। बीएसपीटी और एनपीटी दोनों में अलग अलग है। मेजर डायमीटर जो आएगा 33.4 का था दोस्तों, 33.4 को अगर सॉरी माइनर डायमीटर 33.4 में से अगर अपन 2 × पिच को कम कर देते हैं तो 29.88 आ जाता है माइनर डायमीटर। माइनर डायमीटर मीन्स जो मिनिमम डायमीटर अपन टर्निंग करेंगे बोर के अंदर, या बीएमसी में कर रहे हो, सीएनसी के अंदर कर रहे हो, तो बोर जो होगा 29.88 का होगा, ये ध्यान रखना दोस्तों। इसके बाद यूजफुल जो थ्रेड होती है दोस्तों वो 0.6828 होती है, 7.86 यूजफुल थ्रेड का मतलब यहीं पे ही अपनी लॉकिंग होती है इसी दूरी पे मेल और फीमेल की, तो ज्यादा थ्रेड इतनी काम नहीं आती, इतनी लेंथ होती है जो प्लग को आपस में टाइट करने के काम आती है। और थ्रेड एंगल होता है दोस्तों 60 डिग्री। अब ये मैंने कुछ डाटा आपको बताए हैं, बहुत अच्छे डाटा है, आप लिख भी सकते हो, उतार भी सकते हो और समझ भी सकते हो, इसमें कोई समझ है थोड़ा सा डिफिकल्ट है पर आप समझ सकते हो कि 1 इंच के लिए क्या क्या डाटा चाहिए होता है सीएनसी मशीन पर काटने के लिए। तो दोस्तों अब मैं चलता हूँ प्रोग्रामिंग में। प्रोग्रामिंग में 25.4 एक इंच का मैंने थ्रेड डेप्थ ले रखा है, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों मैं बताता हूँ कि थ्रेड लेंथ जो एनपीटी बीएसपीटी होती है वो मैक्सिमम 1 इंच के अंदर ही काटी जाती है, इससे ज्यादा नहीं काटी जाती, क्योंकि अपना लॉक हो जाएगा, दूसरा फीमेल जो आएगा मेल आएगा वो इसके अंदर लॉक हो जाएगा, तो कुछ ही थ्रेड है जो यूजफुल काम आती है उसकी लेंथ इतनी आती है, ये स्टैंडर्ड है दोस्तों। अब मैं आपको प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा, तो प्रोग्राम के बारे में जो भी अपने डाटा काम में आएंगे वो मैंने सारे लिख दिए यहाँ पे, तो आप इसको ध्यान से एक बार नोट कर ले। उसके बाद दोस्तों अपन प्रोग्राम पे चलते हैं, तो प्रोग्राम के लिए जो बोरिंग बार आएगी और इंसर्ट आएगी उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। अपन ये 29.88 के है अपना डायमीटर, तो टर्निंग तो मैं कर लेता हूँ, टर्निंग का कोई विशेष ऐसा नहीं है, कोई भी कर लेगा टेपर टर्निंग का, टेपर निकालना है 1/16 का है तो कोई भी टर्निंग निकाल लेगा, बट जो अपनी मेन चीज वो जो है वो है थ्रेडिंग का प्रोग्राम। अब थ्रेडिंग के प्रोग्राम में दोस्तों देख मैं आपको बताता हूं कि एक तो इंसर्ट आएगी, फुल फॉर्म इंसर्ट लेनी है आपको, फुल फॉर्म 60 डिग्री की और 1 इंच साइज का, 1 इंच साइज का मतलब उसको आप जो इंसर्ट आपको देना आता है या जिससे आप मंगाओगे उसको बोल देना कि आप 1 इंच या 11.5 TPI की चाहिए मुझे एनपीटी की, तो फुल फॉर्म में ही काटोगे तो बढ़िया रहेगा, उसमें कहीं बर बर नहीं आती, साइज वेरिएशन भी नहीं आता, तो
तो बिल्कुल एक्यूरेट कटेगी। तो जो इंसर्ट वाला बंदा आता है उसको बोल देना ये दे जाएगा, और इससे बढ़िया कटेंगे इंसर्ट। और आप 25 mm की बोरिंग बार है, जो बोरिंग बार है बोरिंग बार डाया, ये 25 mm की आपकी बहुत अच्छे से चलेगी, पतली भी नहीं ले ली ना मोटी। 25 mm, 25 से ऊपर आएगी अपने 32 की, और 25 से नहीं चाहते 20 के, तो 20 या 25 की स्टैंडर्ड साइज हो, स्टैंडर्ड 25 की आती है, 25 से आप बढ़िया से काट सकते हो। ER16 की जो इंसर्ट आती है, सॉरी IR16, IR16-11.5, तो इस तरह के इंसर्ट का नॉमेनक्लेचर आता है। तो आप IR के ले लेना इंसर्ट, 16 mm साइज की आएगी, 11.5 TPI की आएगी। तो दोस्तों आप देखते रहिए, वीडियो बहुत अच्छा बनाता हूँ मैं हमेशा, और कोई इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाता जितना मैं आपको कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी तजुर्बा है थ्रेडिंग में बहुत अच्छा है। तो आप अच्छे से देखते रहिए, जाके आपको पूरा का पूरा अनुभव हो और जानकारी मिले। 25 mm की बोरिंग बार ले ली दोस्तों, उसके बाद 16 IR16 की 11.5 की TPI की इंसर्ट लेनी है। उसके बाद मैं प्रोग्राम बनाता हूँ दोस्तों, और नंबर ले लेता हूँ, ओ फानुक ऊपर बता रहा हूं मैं आपको, ओ 1200 नंबर प्रोग्राम ले लेता हूँ, ठीक है। 1200 नंबर लेने के बाद फिर मैं जाता हूँ G28U0W0। अगर आप सीमेंस का यूज करोगे, सीमेंस में साइकिल आती है दोस्तों, 828 में G99 साइकिल आती है, जिसके बारे में मैंने आपको बता रखा है वीडियो में, उसको भी आप दे सकते हो, अच्छी साइकिल बनती है सीमेंस के अंदर भी। और फानुक के अंदर तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, फानुक के अंदर भी साइकिल बनती है टेपर में, 76 से बढ़ा लो, 92 से बढ़ा लो, या G33 से बढ़ा लो। मैं G33 से बढ़ाऊंगा, और G33 एक ऐसा कोड है जो सीमेंस और फानुक दोनों में कॉमन चलेगा, बहुत अच्छे से चलता है। G33 से मैं आपको साइकिल बढ़ाऊंगा, फिर आप चलाते रहना। फिर T01 01 टूल नंबर एक और ऑफसेट नंबर एक, ये होम पोजीशन का कोड है दोस्तों, G28 मशीन होम पे चली जाएगी या रेफरेंस पे चली जाएगी, ये टूल नंबर एक और ऑफसेट नंबर एक, ठीक है। अब ये तो मैं बता ही रहा हूँ, अब प्रोग्राम बताता हूँ, तो ये सारी चीजें मैं आपको डिस्कस करता हूँ कि ये क्या क्या कोड लगा रहा हूं मैं। उसके बाद G97 में कॉन्स्टेंट स्पीड लूंगा, G97S, अगर 1 इंची का साइज है तो मैं 800 RPM से ज्यादा नहीं बढ़ूंगा, मेटल के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। मेटेरियल अगर आपका कास्ट आयरन चल रहा है या स्टील चल रही है तो 800 RPM से ज्यादा मत लेना। अगर आपकी नॉन फेरस है, लेट से एल्यूमिनियम है या ब्रास है, तो आप 1500 से ऊपर भी आ सकते हो, 1500 2000 के बीच भी आ सकते हो, क्योंकि सॉफ्ट मेटल होता है, सॉफ्ट में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन कास्ट आयरन, एसजी आयरन और स्टील के अंदर जो भी किसी भी प्रकार की स्टील है, उसमें आप 800 RPM से ज्यादा नहीं जा सकते, M4, ठीक है दोस्तों। राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड जो थ्रेडिंग होती है उसमें हमेशा M4 ही काम आता है, क्योंकि राइट हैंड बोरिंग बार आएगी तो राइट हैंड में M4 में ही चलेगा स्पिंडल ऐसे अपनी साइड में, और लेफ्ट हैंड में ऐसे चलता है। तो दोस्तों कई सारे वो कंफ्यूजन होता है कि M4 M3 में कैसे चलाएंगे टूल को, तो ये M4 लगेगा। इसके बाद मैं बता देता हूँ आपको, G40 डाल देता हूँ, कोई कंपनसेशन पहले से टूल में पड़ा हुआ है वो कैंसिल हो जाएगा। एक्स दोस्तों मेरा ये स्टार्टिंग डायमीटर है 30.4 ही हो गया मेजर डायमीटर, और माइनर डायमीटर है मेरा 29.88। तो दोस्तों ये ध्यान रखने वाली बात है, तो 33.4 29.88 में से कम करना पड़ेगा हाइट के हिसाब से। तो मैं ये माइनर डायमीटर मैंने लिखा है, मेजर डायमीटर ये 33.8 है और माइनर ये है दोस्तों। अब इसमें से
मैं आपको बताता हूँ कैसे कैलकुलेशन करनी है। G97 मैंने काम लिया S800M4, अब G0 G40X, अब X की वैल्यू मैं क्या करूंगा आप थोड़ा सा और ध्यान देना, 33.4 तो मेरा टर्निंग का स्टार्ट डायमीटर है और जो टर्निंग का एंड पॉइंट का डायमीटर 29.88। अब दोस्तों हाइट और जुड़ेगी इसके अंदर, तो जो हाइट जुड़ के डायमीटर आएगा दोस्तों वो मैं आपको बता रहा हूँ, 33.4 में अगर अपन पिच इसको हाइट को और इंटू टू करके अपन हाइट इसका मेजर डायमीटर निकाल सकते हैं, थ्रेड का स्टार्ट डायमीटर, थ्रेड स्टार्ट डायमीटर डाया, तो ये 36.93 आ जाएगा दोस्तों, और जो थ्रेड का एंड पॉइंट का डायमीटर आएगा वो आ जाएगा 33.4, 29.88 में इसकी हाइट का डबल जोड़ देंगे तो अपन को एंड पॉइंट का आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों अपन कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं प्रोग्राम, ये मैं मिटा देता हूँ, स्पेस की थोड़ा सा दिक्कत है, 29.88 मैंने लिख दिया वहां पे 29.88 और 36.93, ये मैं मिटा देता हूँ स्केच को, प्रोग्राम मैं आपको बताता हूँ, ये मिटा देता हूँ। अब मैं आपको G33 की जगह G92 यूज कर लेता हूँ, G92 भी फानुक की साइकिल है, फानुक की साइकिल में आप कैसे डाल सकते हो वो बताता हूँ। तो G0 G40X पहला कट में 0.5 कर लूंगा और दूसरा कट 0.5 को लेके फिर 0.3 0.2 इस तरह से बढ़ते चलेंगे, अदरवाइज नहीं तो थ्रेड खराब हो जाएंगी। तो G0 G40X जो मेजर डायमीटर थ्रेड का आएगा 36.92 आएगा दोस्तों, और जो टर्निंग डायमीटर 33.4 का है, तो मैं ले लेता हूँ एक्स 33 34 पे ले लेता हूँ 0.4 0.6 का मार्जिन लेते हुए, और जेड 5, ठीक है दोस्तों, यहां मैं ये ले लेता हूँ। उसके बाद Z0 पे जाना पड़ेगा मेरे को, Z0 पे जाके फिर स्टार्ट करूंगा, तो G0 Z0 क्योंकि चैम्फर भी लगा होगा कम से कम 2 mm का, तभी अपन थ्रेड काटेंगे नहीं तो बर आ जाती सामने, Z0 ले लेता हूँ। फिर G92X 34 का मैंने यहां लिया, तो दोस्तों 1 mm का डायमीटर जो फर्क पड़ेगा, 1 इंच की मैंने लेंथ ली है, तो 33 आ जाएगा मेरा X 33 X 33, ठीक है। फिर Z-25.4 और F आ जाएंगे मेरी फीड पिच के इक्वलेंट, पिच है मेरी 2.209, ठीक है दोस्तों, ये पिच आ जाएगी। अब मैं ये मेरी साइकिल है एक, फिर मैं बाहर आ जाऊंगा, जैसे साइकिल पूरी होगी टूल बाहर आ जाएगा, टूल बाहर आके एक्स दे देता हूँ, एक्स यहां से पहले भी दे देता हूँ, एक्स जो माइनर डायमीटर है वो है मेरा 29, एक्स 29 पे खड़ा कर लेता हूँ, ताकि जो टूल नीचे शिफ्ट होकर आएगा एक्स 29 पे से निकल के आएगा, ठीक है दोस्तों। फिर मैं एक्स की वैल्यू डालता चलूंगा, एक्स मैं स्टार्ट करूंगा 92 नहीं, फिर मैं गलती कर रहा हूं आपसे क्षमा चाहूंगा, G33 मैं G33 की बात कर रहा था, तो G33, ठीक है दोस्तों। अब मैं टूल मेरा वापस आ जाएगा इस डायमीटर पे निकल के, फिर Z 0 पे चले जाता हूं, फिर X की वैल्यू डाल देता हूं 33.5, ठीक है। फिर G33 X 33.5 में से एक कम कर लूंगा, तो 32.5 एक्स 32.5 Z-25.4, इस तरह से मैं कम करते चलूंगा, एक्स में बढ़ाते चलूंगा सॉरी, तो अपनी साइकिल चलती चलेगी, या एफ 2.209 आएगी। फिर Z0 चला जाऊंगा,
फिर एक्स 33.8 पे लगा देता हूं। 33.8 पे लगाने के बाद फिर जेड जी 33 दे दूंगा, जी 33 एक्स 32.8, जेड -25.4 और एफ 2.209। ठीक है दोस्तों, इस तरह से अपन चलते चलेंगे कहां तक, जहां तक अपना डायमीटर मैच नहीं हो जाते। तो मैं ये मिटा देता हूं, फिर मैं जेड जीरो पे ले लेता हूं। जेड जीरो एक्स 33.8 यहां ले लिया था, 34.1 ले लेता हूं, 34.5 ले लेता हूं, 34.5 ले लेता हूं, फिर जी 33 जेड -33.8 एक एमएम का डायमीटर फर्क पड़ेगा, जेड -25.4 एफ 2.209। ठीक है, फिर मैं चला जाता हूं लास्ट थ्रेड पर। देखना दोस्तों, एक एमएम का टेपर अपन को डिफरेंस होना चाहिए। जेड जेड जीरो फिर एक्स 34 35 पे ले लेता हूं, और 35 पे जाने के बाद जी 33 जेड -25.4 और एक्स आगे पीछे लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स 33.2 एफ 2.209। ठीक है, शायद मैंने पहले गलत ले लिया दोस्तों, वो थोड़ा सा गलती हो गया, तो अब इस पे ध्यान दे लो एक बार। 33 30 हाँ, फिर जेड जीरो और एक्स 36 ले लेता हूं, जी 33 जेड -25.4 एफ 2.209। ठीक दोस्तों, ये लग गया। फिर एक फाइनल कट ले लूंगा मैं, एक्स सॉरी जेड जीरो और फिर एक्स 36.9 जी 33 जेड -25.4 एफ 2.209। तो इस तरह से दोस्तों अपना एक साइकिल बन गई। फिर मैं टोन को बाहर निकाल लेता हूं, एक ये एक्स के ऑर्डरिंग में 33.4 एफ 2.209। तो इस तरह से अपनी साइकिल बन गई दोस्तों कंप्लीट। फिर मैं टूल को बाहर निकाल लेता हूँ, जी 0 जेड 50 एक्स 100 और फिर जी 28 यू 0 डब्ल्यू 0 और एम 30। ठीक है दोस्तों, इस तरह से अपना प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। तो अच्छे से वीडियो देखे दोस्तों, पूरा देखे ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, और कोई भी समस्या किसी भी प्रकार का वीडियो से आपको हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं दे देता हूँ। तो आज के लिए इतना है, काफी धन्यवाद।